Hi friends, welcome to CGL Aptitude Pashala. My name is Jyoti Prasad Saikia. From now onwards, I'll be taking up your English section. I'll basically deal with SSC exam, but जो banking aspirants हैं या फिर NDA, CDS जो aspirants हैं वो भी इन lectures को follow कर सकते हैं. Okay? So, before starting anything, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं किस चीज़ के ऊपर मैं focus करूँगा मेरे lectures पे. मेरा primary focus रहेगा reading comprehension, close test, parasymbols, sentence rearrangement, ये सब पे मेरा focus रहेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या techniques adopt करने चाहिए, वो मैं सब इस lecture पे discuss करूँगा और future lectures में आपको सब मैं ये teach करूँगा आपको. तो first of all, मैंने CGL 2017 मैंने appear किया था, तो यहाँ पे मेरे marks है, जो pre में मैंने score किया था वो 47.5 और जो मैंने mains में score किया था that was 174. ठीक है, और ये स्कोर 174 से 180 भी हो सकता था, क्योंकि मेरे नंबर जो कटे थे वो idioms and phrases में कटे थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम ये सब में कटे थे, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है आप कितना चीज़ों को रट सकते हो. ठीक है, लेकिन जो मेरा जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है वो, लेकिन जो चीज़ों में जिसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसमें आपको थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगाना पड़ता है, उस सेक्शन में इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर्स थे. तो मैं आपको बताऊँगा सोर्सेस जो आपको पढ़ने चाहिए आपका रीडिंग इंप्रूव करने के लिए. देखिए, सब बोलते कि मेरा इंग्लिश वीक है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं सेंटेंस को रिलेट नहीं कर पाता, मैं आरसी में मेरे सवाल गलत होते हैं, मेरा क्लोज टेस्ट पूरा गलत हो जाता है, मेरे को पैराजम्बल मेरे को करने में दिक्कत आती है. तो ये सब का जो बेसिक जो रूट कॉज है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि लोग रीडिंग नहीं करते हैं, लोग रीडिंग को अलग से रख देते हैं और फोकस करते हैं ग्रामर के जो टेक्निकल थिंग्स है उस पर फोकस करते हैं. उनको लगता है कि पहले मैं ग्रामर ख़त्म कर लूँ, पहले मैं पता कर लूँ कि यार ये प्रोनाउन नाउन, ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सब जो चीज़ें ग्रामर के जो टेक्निकल थिंग्स, इस पर फोकस करते हैं पहले, और बाद में सोचते हैं कि इसका हेल्प लें कि मैं सेंटेंस जो फ्रेम होता है उसको अंडरस्टैंड करूँगा, मैं क्लोज टेस्ट में मेरे को हेल्प होगी. तो देखिए, ये एक लंबा प्रोसेस है. ये ऐसे आप जाओगे तो आपके नंबर उतने नहीं आएंगे आपके. ठीक है, जो अभी जो पैटर्न जो चेंज हो रहा है, आप देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा एनालिटिकल आ रहा है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है. उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो रूल्स पर ग्रामर के रूल्स पर पढ़ गया है, जो idioms एंड फ्रेजेस रट के आया है वही नंबर स्कोर पाए. उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि जो बंदा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, वो दिमाग लगा सके कि यार ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा. तो वो डायरेक्ट नहीं रहेगा, आपको पढ़ के समझ के फिर आपको उसको वहीं पर उसको आपको आंसर करना है. तो मैंने जो बता दिया कि रीडिंग करते नहीं है, सब डिपेंड करते हैं कि ग्रामर ठीक हो जाए फिर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था. अगर मैंने वैसा नहीं किया और मेरे इतने नंबर आए, तो ये जस्टिफाई करता है कि आप ये प्रोसेस आप एडॉप्ट करते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे. तो ये आपका ये 50 भी हो सकता है, ये 185 या 190 तक भी जा सकता है, अगर आप उस पर फोकस करो. मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर पूरा ही छोड़ दो आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा वो चीज़. ग्रामर पढ़ते रहो आप, लेकिन उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो कि यार मैं ग्रामर करूँगा फिर ये होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, लेकिन वैसे वर्षा हो सकता है. अगर आप पढ़ने लग जाओगे, रीडिंग करने लग जाओगे, अखबार ले लो, कोई नॉवल ले लो, या फिर कोई भी एनसीईआरटी का कोई भी बेसिक बुक, तो ये आपका उल्टा हो सकता है कि आप इतना कर लिया तो आपका ग्रामर भी साइड बाय साइड आपको इम्प्रूव होते रहेगा. मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ इंग्लिश के ऊपर. देखिए, आई डैश ए बॉय, ये जो सेंटेंस है आप उसको फिल करोगे, मान लो ये क्लोज टेस्ट में कहीं पे आ गया, तो आप पुट करोगे ना, बिना देखे आप लोग बोल दोगे कि ये तो एम ही होगा. क्यों? क्योंकि आपने बचपन से इसको पढ़ रखा है, आपने आपके वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है, आप उसको ईज नहीं बिठाओगे. आई इज़ ए बॉय, ठीक है, तो आई एम ए बॉय ही होगा. तो इस पर आप उस टाइम ये नहीं सोचते हो कि आई कौन सा प्रोनाउन है, तो आप ये नहीं देखते हो कि आई प्लूरल है, कि आपको पता है ये आई एम ए बॉय, आपको एक गट फीलिंग आती है अंदर से कि यार एम होगा. तो क्यों ना हम ये जो टेक्निक है हमारा, क्यों ना हम इसको एसएससी और बैंकिंग के लेवल तक लेके जाएं. हम लोग इतना पढ़े, हम लोग टाइम निकाल के इतना टाइम डिवोट करें कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है, हमें समझ में आए कि ये पैराग्राफ कितना कोहरेंट है. तो ये सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए. मैं आपको रिसोर्सेज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप लोग स्टोरीज जो शॉर्ट स्टोरी होता है आप उस पर आ जाओ. आपने 10वीं तक तो आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी, तो आप 7-8 जो क्लास के जो एनसीईआरटीज है या फिर आपके जो स्टेट टेक्स्ट बुक्स है, मैं वो भी आपको बोल रहा हूँ, जो इंग्लिश है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो यार. उसको समझो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप इसी का अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो उस पर आपको दिक्कत होगी.
तो आप पहले रीडिंग का तो हैबिट अडॉप्ट करो, पहले आपका जो मेंटल कैपेसिटी होती है उसको तो इम्प्रूव करो, आपका जो रीडिंग करने का जो स्टैमिना है, जो मेंटल स्टैमिना वो जो चाहिए आपको उसको तो इम्प्रूव करो। देखिए आप जब मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो पहले आपका मैथ्स का रहेगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इंग्लिश का पेपर करोगे उसमें 200 क्वेश्चन है, तो एक ऑटोमेटिकली एक पहले से एक मेंटल फैटिक रहता है, क्योंकि मैंने मैथ्स का पेपर दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है ये, और जो मेरे फेलो एस्पायरेंट्स होंगे वो भी इस चीज़ को उन लोग बोलेंगे, उनको ऐसा होता है। तो आप देखना आप गलती करते हो, आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, आपको रीडिंग करने का आपके पास पेशेंस नहीं होता, आपको पैरजम्बल्स में आप कंफ्यूज होते हो, आपको एक एक तरह से इरिटेशन सा होता है कि यार इसका आंसर ये होगा, कंफ्यूजिंग सा हो जाता काफ़ी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस टेस्ट पे आपको अभी से ही आपको रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपका स्टेमिना आए। और मैं बोल रहा हूँ जब आप पढ़ते हो आपका जो स्टेमिना होता है वो कम होता है, तो आप जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो नरेशन के होते हैं, पैसिव वॉइस के होते हैं, तो आप उसमें भी आप गलत करते हो, यार हैड बीन था कि हैड था, हैज था कि हैव था, इज बीइंग, तो ये सब पे आप गलती करते हो, तो इसके कारण आपका 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगा जिनका इंग्लिश बहुत ही वीक है, ठीक है, और जिनका इंग्लिश का लेवल अच्छा है उन लोग अपना फिर और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिनका बहुत ही वीक है तो आप NCERT का बोल लो 5-6 स्टैंडर्ड का जो है, जहाँ पे जो इंग्लिश के जो बुक्स हैं वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज होंगे, तो आप उनको पढ़ो, आप उनको समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। आप बस उसको पढ़, आप लेट के पढ़ सकते हो आप उसको, ऐसे नहीं कि टेबल पे पूरा एकदम वैसे पढ़ रहा है, ज़रूरत नहीं है उसकी। आप लेटे हो, आप फ्री हो, आप कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, बस पे हो आप, कहीं पे आपको फ्री टाइम मिल गया, फ़ोन खोल लो, PDF है, पढ़ लो उसमें, थोड़ा सा पढ़ लो यार, ठीक है। तो वो यार आप एडॉप्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको पता लगे कि यार आप, मैं बोल रहा हूँ आपको वो इमिडिएटली आपको चेंज नहीं मिलेगा। आपको आप चाहते हो कि मैंने पढ़ लिया है अभी तो मेरा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, तो चीज़ें ये सब चीज़ें इमिडिएटली नहीं होता है, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये चीज़ें इंक्रीमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको आप टाइम दीजिए, आप अगर आप टाइम नहीं दोगे तो इतना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप 150 तक आप अटक जाओगे, आप 140 प्लस 150 प्लस अटक जाओगे आप। अगर आपको ऐसे करना है तो आप 180 प्लस लेके आ सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ मैं आपको। उसके बाद हो गया तो आप सिंपल सा एक नॉवल उठा लो, आप उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, आप ऐसे पढ़ लो, आप ऐसे लेटे हुए हो, सो रहे हो, सोने से पहले ऐसे थोड़ा पढ़ लो, तो आपका जो एक एक जो रीडिंग के तरफ जो इंक्लिनेशन है, रीडिंग करने की जो चाह है वो आपके अंदर, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आए आपके अंदर, ठीक है। और जिनका इंग्लिश ऑलरेडी थोड़ा सही है उन लोग आप स्ट्रेट अवे आप हिंदी में जा सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, ठीक है। जो सेंटेंसेस है वहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे वो आप पढ़ो, ठीक है। तो देखना आपका बहुत जल्दी आपका बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जब आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका टाइम सेविंग काफ़ी होगा, आप जल्दी जल्दी आप RC पढ़ पाओगे, आप टोस्टेस पढ़ पाओगे, आप पैराजम्बल्स पढ़ पाओगे। तो प्री में क्या होता है कि टाइम की कंस्ट्रेंट रहती है, पेपर का टफ आ गया तो आपको टाइम की कंस्ट्रेंट, इनफैक्ट मेंस में भी उसकी टाइम की कंस्ट्रेंट होती है। तो आप अगर इंग्लिश में आप अपने वो लेवल तक आप लेके गए तो आप रीजनिंग मैथ्स के लिए आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर मेंस में हो गया, मेंस में मैंने जो सेक्शन मैं बोल रहा हूँ कि मैं डील करूँगा उस पे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो वोकैब सेक्शन होता है आपको आता है तो आता है, आपको नहीं आता है तो आप बस एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो, तो उस पे उतना टाइम लगता है, लेकिन ये सब चीज़ों में आपका टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ोगे अच्छे तो आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाओगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो टाइम की कंस्ट्रेंट वहाँ नहीं रहेगी, आप एक बार पहले ही पेपर ख़त्म करके आप कुछ कुछ जो आप मार्क करके रख दोगे उस क्वेश्चंस को आप रिवाइज भी कर सकते हो जहाँ पे आपको डाउट था पहले, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने Tier 2 में मेरा शायद 10 मिनट पहले ही मेरा मतलब हुआ था, पहले मेरा एग्ज़ाम मैंने ख़त्म कर लिया, तो मैंने 10 मिनट में मैं गो थ्रू किया मैंने एक बार पेपर को, पूरे क्वेश्चंस को कि कौन सा सही है, जो आसान है उसको मैंने इमीडिएटली लिख कर दिया कि ये तो पता ही है कि ये होगा ये होगा। तो जो बाकी जो जिसमें डाउट था RC का, हो सकता है एक पोर्शन में अगर डाउट हो अपने मार्क कर दिया तो आप रिविजिट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप करोगे जब आप इंग्लिश से आप कंफर्टेबल होंगे, तो एक आप अभी एक इंग्लिश के साथ आप एक एक रिलेशन आप स्टार्ट कर दो आप रीडिंग के साथ। मैं उसी चीज़ पे फोकस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं आपके सामने मैं एक क्लोस्टर्स लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर्स का होगा, और मैं खुद से ही मतलब जो एडिटोरियल होगा या फिर कोई भी स्टोरी होगा कुछ भी होगा मैं वहाँ से ला के मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊँगा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा उसकी, मैं RC प्रैक्टिस करवाऊँगा आपका, जो भी प्रीवियस ईयर्स के है या फिर कैट का है, बैंकिंग का है, कुछ भी होगा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा। पैराजम्बल्स हो गया, वट एवर रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, और एक कमांड बने उसके लिए मैं सारे सेक्शंस यहाँ पे मैं डील करूँगा। और फिर मैं जो मेरा जो लेक्चर होगा स्टार्ट मेरे कोर्स से होगा, ठीक है, जस्ट टू मोटिवेट यू।
वैसे स्टार्ट होगा, देन आई विल डील द क्वेश्चंस ये सेक्शन, और लास्ट में मैं क्या करूँगा जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है या फिर अच्छे वर्ड्स जो आएंगे वहाँ पे, मैं उसका आपको मीनिंग बता दूंगा यहाँ पे, आप उन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, आप एक अलग से कॉपी बना लेना, उसको आप नोट डाउन करना आप, ठीक है, उससे आपका एंटोनिम सिनोनिम भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज अगर आएगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और जो सेंटेंस जो आपका जो स्पेलिंग एरर जो होता है वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा उससे, ठीक है, तो ये सब अच्छे से आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और इंग्लिश को ऐसे मत लीजिए कि इंग्लिश सिर्फ मेरा प्री और मेंस में काम आएगा, आपको टीयर थ्री भी तो आपको देना है ना आपको, तो उसमें तो 100 मार्क्स है, तो आप टीयर टू आपने अच्छा कर लिया, स्पेशली मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मैं बोल रहा हूँ, और बाकी जो इन जनरल जो बाकी जो एस्पायरेंस है आप करते क्यों, इसमें आप अच्छा लेके आते हो, लेकिन ऐसे का जो जब टाइम आता है तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेके आप ब्रेड आप बस उसको मगअप करते हो, ठीक है, वो अच्छा है कि आप कोई अगर अच्छा आपने जो अगर प्रिपेयर किया उसमें से आ गया तो आप अच्छा लिख सकते हो, अगर बाय चांस अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि लेटर तो आप रख नहीं सकते, उस पे तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग तो आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपको वहाँ तक भी आपको मतलब ऐसे लिखने में या फिर लेटर लिखने में आपको फोर्डर पॉइंट्स मिले, आपको लिखने का जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, वो सब आपको मिले, कंटेंट आपको मिले कि आपको यूज़ करके आप अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हो, तो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, आप फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा, जब आप जॉब जब सर्विस ज्वाइन करोगे तो आप जब आप फाइल देखोगे तो मतलब मेजॉरिटी तो आपकी इंग्लिश में ही होगी, तो सब कुछ हेल्प करेगा अगर आप इस पर फोकस करोगे, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर था, सेकेंड लेक्चर से मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, आप क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, थैंक यू।